नमस्कार, आइए सुनते हैं स्वामी विरजानंद जी की पुस्तक परमार्थ प्रसंग से आज का प्रसंग। महाराज एक कहानी के माध्यम से बहुत सुंदर शिक्षा हमको दे रहे हैं, बता रहे हैं कि ईश्वर प्राप्ति से ही बालक गोपाल के दुग्ध पात्र के समान स्वयं का परमार्थ भंडार अक्षय हो जाता है। उससे कोई कितना ही ले, किसी को कितना ही क्यों ना देते रहो, वह सदा पूर्ण रहता है, कम ज्यादा नहीं होता। यह किस्सा जानते हो तो, एक गरीब ब्राह्मणी के छोटे से लड़के गोपाल को रोज एक जंगल में से होकर अकेले पाठशाला में जाना पड़ता था। उसे बड़ा डर लगता था। माँ से कहने पर माँ ने कहा, क्यों बेटा, डर की बात क्या है, जंगल में तुम्हारे बड़े भाई मधुसूदन हैं, उनको पुकारते ही वे आ जाएंगे। सरल हृदय बालक ने माँ की उस बात पर विश्वास कर लिया और वन में डर लगते ही वह बालक, कहाँ हो दादा मधुसूदन, कहाँ हो दादा मधुसूदन, कहकर रोने लगता। उसी समय वन के भीतर से एक सुंदर दिखने वाला छोटा बालक बाहर आकर कहता, मैं यहीं तो हूं, क्या डर है। और उसके साथ बातचीत करते करते उसे जंगल के पार कर आता। कुछ दिन बाद पाठशाला के शिक्षक महाशय की माँ के श्राद्ध के उपलक्ष में सब पढ़ने वाले लड़के, जिनकी आर्थिक अवस्था अच्छी थी, तरह तरह की सामग्री ले गए, पर गोपाल की माँ के पास देने लायक कुछ भी नहीं था। इसीलिए वह बालक उदास होकर जा रहा है देखकर कारण पूछने पर मधुसूदन दादा ने उसे एक छोटा सा दूध से भरा पात्र देकर कहा, तुम यह गुरुजी को दे देना। गोपाल जब वह देने गया तो गुरुजी ने क्रुद्ध होकर उसे खूब धमकाया, पर ज्यों ही बर्तन खाली करने गए तो वह तुरंत ही पुनः भर जाता है। यह देखकर गुरुजी अवाक रह गए। पूछने पर गोपाल के मुंह से सब हाल सुनकर गुरुजी उसके साथ मधुसूदन दादा को देखने के लिए गोपाल के साथ जंगल गए और वहां जाकर गोपाल को मधुसूदन दादा को पुकारने को कहा। गोपाल के वैसा करने पर आकाशवाणी हुई, तुम्हारे सरल विश्वास के कारण तुम मेरा दर्शन पाते हो, पर तुम्हारे गुरुजी का मन कलुषित है, अतः वे दर्शन के अधिकारी नहीं हैं। भगवान को जो सरल विश्वास के साथ अंतःकरण पूर्वक पुकारता है, उन्हें छोड़कर और कुछ भी नहीं चाहता, वही उन्हें पाता है, और उन्हें पाकर फिर उसे और कुछ चाहने या पाने को रह नहीं जाता। जो इहलौकिक और पारलौकिक सुखों के लिए उन्हें पुकारते हैं या उनसे ऐहिक वस्तु चाहते हैं, उनकी दया या इच्छा होने से यह तो उन्हें मिल सकती है, पर वह भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। आशा है आज के इस प्रसंग से हम कुछ न कुछ प्रेरणा अवश्य लेंगे और अपने मन को सरलता के मार्ग पर ले जाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी की मंगल कामना के साथ नमस्कार।